आज इसको डॉग फूड खुशक वाला दे रहे हैं, देखते हैं आसानी से खा लेता है कि नहीं। खांसी जैसी लगती है तो फिर इसमें हल्का सा इसको गीला कर देंगे पानी में, लेकिन मुझे उम्मीद है ये खुशकी खा जाएगा। नहीं वैसा खांसी लग गई थी इसको। चलिए दो मिनट ठहर जा, मैं पानी डाल गया। मौसम चेक करें जी, बहुत ज्यादा गहरे बादल आ गए हैं, आपको सूरज कहीं पे नजर नहीं आ रहा होगा। और इस तरह का मौसम जो आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, 3 दिन से इसी तरह का मौसम है। बारिश हो जाए मैं तो कहता हूँ यार हो नहीं है। परिंदों का दाना लेने के लिए जाएंगे थोड़ा थोड़ा ला के, ये कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद खत्म हो जाता है। मेरा इरादा है कि आज इनके लिए बाजरे का थोड़ा ही लेके आते हैं। आ चुके हैं जी दुकान पे, अभी बाजरा लेते हैं, थोड़े बहुत परिंदों का शौक करते हैं, फिर अपने घर की तरफ निकलते हैं। ये देखें जी इस केज में सारे बजरी लगे हैं, ये लव बर्ड माशाल्लाह चलती है ना, सारे इकट्ठे इकट्ठे होके बैठे हैं। इसमें भी बजरी, इसमें एग्जीबिशन, ये नीचे देखिए रॉक का लगा हुआ माशाल्लाह। तो ये भी सर्दी लगी थी, ये काठा, इससे नीचे एक और बड़ा का बजा है। हैं एक ये दुआ बिक गया और एक बटेर, ये जंगली तो नहीं है बटेर, ये वाला दिखाई जी कौन सा पीस, ये टेम है। क्या मांग रहे हैं इसका? 12,000 रुपए का। वाह जी वाह, 12,000 रुपए ज्यादा नहीं? पूरा तैयार पीस है ना, जैसे मर्जी बच्चा पकड़े, बड़ा पकड़े, जो मर्जी पकड़ ले। प्राइस ठीक मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं? ये इधर प्रोग्रेसिव स्कूल के पास पड़ा हुआ, जिसको भी चाहिए वो आके लेके जा सकता है। टेम है पूरा, ज़ेब्रा फिंची चेक करेंगे माशाल्लाह। चलो जी दोस्तों, बाजरा आ गया, बाजरे वाली टेंशन होती है खत्म। मैंने कहा एक जगह थोड़ा ले, क्या रोज रोज थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, अब इसको ऊपर लेके जाना है जी। मुझे थोड़ा मसला लग रहा है, इसको उठाना मसला लग रहा है। उठाया जाएगा भाई, उठा लोगे भाई? ये चीज इतनी जान है आपकी यार, उठा तो लोगे। ओ कौन सा वाला? मेरी तो आज इस वीडियो में ही बस हो गई थी, मैं जमाल भाई को कहा यार खवा दो। कबूतरों के खुलने का टाइम, हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है दोस्तों। पहले हम शादियों को खोलेंगे जी, जो काम है पहले उनको खोलेंगे। वाह 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 वाह, अब जो जाते हैं वो खुलेंगे। अभी शेर कैसे आराम सुकून से बैठा हुआ, आज जल्दी खाओ। हालांकि अभी 3 हुए हैं, मौसम ऐसे लग रहा है जैसे मगरिब होने वाली है। क्यों अभी सही है ना तू, ये तो खाना खा के डकार भी मार चुका। अंदर चल के बटेरों का देखते हैं, जो एग हमने अंदर रखे थे उस पे कोई कबूतरी बैठी है या नहीं बैठी, लेकिन मुझे तो लग रहा है फिलहाल कुछ रोला ही है। अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। नहीं भाई साहब, कोई भी कबूतरी इन अंडों पे नहीं बैठ, एक अंडा तोड़ भी दिया, जाती नहीं की वैसे ही है। दोस्तों इन अंडों को उठा ही लेते हैं इससे पहले के सारे ही ये तोड़ दें, खराब ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से। दोस्तों खाली ये 3 अंडे ही सही सलामत बचे हैं, बाकी 2 तो खराब हो गए थे, एक बिल्कुल पिचका हुआ था और दूसरा उसके साथ लग के काला काला हो गया था। चले जी दोस्तों, हमने चौधरी को खोल दिया, मैंने कहा यार इसका क्या कसूर है, इसको खोल देते और उसकी वाइफ को भी खोल दिया। आज हमारा अभिषेक बड़ा उदास बैठा हुआ, क्या चक्कर है अभिषेक? कोई एकदम एक्टिव करूँ देखिएगा। ये देखा, सारी उदासी इसकी एकदम से खत्म होगी। एक्टिव होगी, ज्यादा अच्छा लगता है। चलो चोई साहब, अपनी फैमिली को लेके रफू चक्कर हो जाए यहाँ से, अब दूसरे मुर्गे आने लगे। आज आप एक दोस्तों को हैवी वाला सीन बताओ, ये तीनों बल्कि दोनों मुर्गियाँ देख लें। इसमें से ब्लैक वाली मुर्गी ने अंडे दिए हुए, कड़क हो गई है माशाल्लाह से जी, ये तो अच्छी न्यूज है। लेकिन इसने क्या दिया हुआ भाई, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे इसने चूजे निकाले हुए अंडों में से, वही आवाज निकालती है। ये हमारी ब्लैक वाली आज कड़क होगी है। इसके नीचे रखेंगे हम सिल्की के अंडे, उसके नीचे उसने कुछ दिया ही नहीं है, उसके नीचे क्या रखे हैं समझ नहीं आ रही, कुछ दोस्तों कॉमेंट्स करके बताएं। कल हमारे भाई है मन्नान अब्बासी, उनसे मेरी बात हुई है, सिल्की उनके पास है, ब्रीडर पेड़ भी है और अंडे भी होते हैं उनके पास, उनसे अंडे लेने हैं इंशाल्लाह। अरे दोस्तों ये किस किस्म का अंडा है यार, एक तो इतना नरम है, ये देखे, ये जिस तरह टेनिस की बॉल होती है, दूसरा इसका कलर और बटेर का तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है ये हमारे चकोर का अंडा है, बहुत ही नरम है यार।
आप में से काफी दोस्तों ने रखे हुए होंगे, चकोर भी रखे हुए होंगे और भी काफी परिंदे, वो देखें मुर्गे को देखें, अभी शेर के पास अलग था। तो मुझे कमेंट्स करके बताएं ये अंडा किस चीज का। अभी मैंने काफी देर पहले उसने दिया था, अभी तो काफी देर होगी रख दिया, अभी चेक करते हैं उसकी क्या कंडीशन है। पहले बड़ा नरम सा था दोस्तों, ये अंडा और ज्यादा मुरझा गया। ये किसी एलियन का अंडा तो नहीं है, ये ना इसमें से कोई एलियन निकल है। ये चेक कर रहे हैं आप, ये देखें बिल्कुल फुस हो गया ये तो। ये जोड़ा दोस्तों बार बार अपनी शामद को आवाज दे रहा है। अभी शेर के देखे, अभी बिल्कुल उसके मुंह के पास चले गए थे, अब फिर इधर वापस आ गए। ये भी देख रहा था, शुक्र है पकड़ा नहीं अचानक। शेराजी मेल को देखे, ये देखें अभी शेर के पास ही पास जाई जा रहा है। ये एक फुट का भी जो मैं कहता हूँ फासला नहीं रहा। यार क्या चक्कर है, इतने दलेर हुए हो तुम लोग हैं, तुम दोनों भी इतने दलेर हुए हो। अभी बच्चे तुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं ये है? चल कोई नहीं बर्दाश्त करिए, अपने जान के टोटे हैं, इनको कुछ कहना भी नहीं है तुम्हें। हाँ अभी जी दोस्तों कबूतर तो खुद ही अपने खुदों में चले गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ जबरदस्ती मैंने नहीं की, लेकिन हल्का सा, ओहो हल्की सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ बल्कि वो ठीक जा रहा था ना, वैसे ही इस खुडे में चला गया। वो भी मुर्गियों ने भी दाना खा लिया, मुर्गे ने भी खा लिया। मैंने चलना है प्लॉट में, वहाँ पे मैक्सी खुली हुई है, दंदनाती फिर रही है, उसकी वजह से किसी ने भी मुर्गों को दाना नहीं डाला। अभी जो प्लॉट में मुर्गे हैं उनको दाना डाल के उसके बाद फिर एक जगह पे जाना है। दोस्तों मैंने काम जाना तो था, लेकिन ये बच्चों वाली मुर्गी और हमारे छोटे बच्चे रह गए थे, ये दाना खा लें पानी पी लें उसके बाद ही मैं जाऊँगा। क्योंकि अभी शेर शरीफ तो बड़ा है, लेकिन इसका कोई पता नहीं दोस्तों, मैं ना हूँ तो पीछे से चूजे मार दे या मुर्गी को मार दे तो फिर मुझे अफसोस होगा। इसलिए अब ये आराम सुकून से अपना दाना पानी खाएंगे पियेंगे तो फिर ही अपन जाएगा। इसको देखिएगा मोटी को, चलें जी दाना जो बच गया, यानी कि जो ट्रे से नीचे गिरा था वो मैंने जमीन के साथ लगा दिया है। इनका जो दाना है वो मैंने इनके केज में ही रख दिया दोस्तों। चलो अंदर है। चलो अंदर भी है। चलें जी दोस्तों मैक्सी के पास आ गए, और क्या मैं इसको कहूँ, इसने मेरे से बाजरा गिरवा दिया। मैक्सी ये क्या किया तूने? पहले नंबर पे दोस्तों इसको खोलते है, इसके साथ वाइट चूज है, ये उधर ही जाके दाना खा लेगी। चल बचिए, चलो 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 चलो। अब जी कितनी मुर्गियों को ली हुई है, तीन चार चूजे को मिला के। अच्छा पानी मैं घर से ही नीम गरम ले आया था, आपको पता है सर्दियां ठंडा पानी इनके लिए अच्छा नहीं होता। बोतल भी वो ऊपर पड़ी हुई है अभी भी। तो दोस्तों अभी की वीडियो का यहीं पे करूंगा एंड, अभी काफी जरा काम है और लाइट भी चली जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।